Hey guys, what's up? तो मैं आ गया हूँ दोबारा और अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए और अभी हम लोग बहुत लेट हो गए गाइस। आज जो टाइम हो गया है 9:30 ऑलमोस्ट। सो अब हम जा रहे हैं अपने घर के लिए। तो गाइस आज का दिन बहुत ही बेकार रहा मेरा, मतलब क्या ही बताऊँ आपको क्या गया क्या नहीं गया, बट यार सीरियसली मेरा आज का दिन बहुत ही बेकार गया, बट अब क्या ही कर सकते हैं यार। तो फिलहाल तो हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट, भाई बंदा इंडिकेटर दे रहा है और हमने भी खैर इंडिकेटर देते हुए निकाल लिए है, इंडिकेटर दे रहा भाई देख लो। तो अब हम चल रहे हैं बिल्कुल सीधा और यहाँ से लेना है हमको राइट, लाइक फर्स्ट रेड लाइट जो आएगी वहाँ से हमको लेना है राइट, जो कि निकलेगा सीधा जीटी रोड पर, और जीटी रोड पर ही हमें जाना है। अगर कहीं और जाना होता तो हम वहाँ क्यों जाते भाई, कॉमन सेंस। तो आ गई है रेड लाइट, तो यहाँ से लेंगे हम राइट इंडिकेटर देते हुए, विदाउट इंडिकेटर नहीं, इंडिकेटर देते हुए भाई। सो गाइस अभी हम चलेंगे बिल्कुल सीधा। तो यहाँ पर मैं एक प्लेस है गाइस जो जहाँ पर मैं मोस्टली अक्सर आता रहता हूँ लाइक सामान वामान खरीदने के लिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो प्लेस। एनी टाइम खुला रहता है, आप जब मर्जी चाहो वहाँ पर आ सकते हो, खरीद सकते हो लाइक, बट क्या जब मर्जी आओ और शॉपिंग करो, ले सी दिस इज 24/7। तो यहाँ पर मैं मोस्टली आता रहता हूँ गाइस और काफ़ी शॉपिंग भी करता रहता हूँ। तो गाइस अब हमने उसको कर दिया है क्रॉस और अब हम निकल चुके हैं जीटी रोड पर, लाइक अभी निकले नहीं है, लाइक जीटी रोड के लिए निकल चुके हैं बिल्कुल स्ट्रेट। जैसा कि मैंने बताया आपको आज़ादपुर के लिए यहाँ से जाता है लेफ्ट टर्न, तो हम लेफ्ट जाएंगे बिकॉज हमको जाना है जीटीवी नगर। सो यहाँ से हो गए हम फाइनली लेफ्ट और ये रास्ता जाता है बिल्कुल सीधा। अगर हम जाएंगे तो हम तो मुकंदपुर पहुँच जाएंगे, बट हमें मुकंदपुर नहीं जाना है गाइज, हमको तो जाना है जीटीवी। सो गाइज निकल चले हैं दोबारा हम जीटीवी के लिए। तो यहाँ के फ्लाईओवर से यहाँ पर एक लेफ्ट साइड ऑप्शन आता है अगर आपको दिख रहा हो तो, बट अभी आपको नहीं दिखेगा, लाइक अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे देन आपको दिखेगा। यहाँ पर टू वे है जहाँ से हम लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ से रास्ता जाता है, बट आपको अभी नहीं दिखेगा क्योंकि बसेस चल रही है। तो हमने ऑलरेडी पहले ही लेफ्ट ले लिया है जो कि नीचे से रास्ता जा रहा है, अभी आप देख सकते हैं लाइक एक रास्ता ऊपर जा रहा है और एक हिस्सा नीचे जा रहा है। तो यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न ले लिया है और फिर अब हम रेड लाइट से लेंगे राइट बिकॉज ये जाएगा मॉडल टाउन से होते हुए जीटीवी नगर। तो आज मतलब इतना ज़्यादा मैं लेट हो गया हूँ इस वजह से रोड थोड़ा सा खाली खाली है, वरना यहाँ पर भी काफ़ी ट्रैफिक को फेस करना पड़ता है मुझे, और मेरी रेड लाइट भी आज ग्रीन मिली है, लाइक वाओ क्या कॉन्सिडेंट है, लाइक रेड लाइट भी ग्रीन है, मतलब कि देखो यार होता है ना कि एक सुबह बंदा मतलब देर हो रही हो उस बंदे को तो और ज़्यादा देर होती है, बट यहाँ मुझे कोई देर नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं लाइक कुछ भी नहीं, तो फिर मुझे लाइट भी ग्रीन मिल रही, मतलब मैं फ्री हूँ और लेट भी हो जाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर मुझे लाइट भी ग्रीन मिल रही है। अदरवाइज़ क्या होता है मुझे जल्दी होती है तो फिर लाइट भी सारी ऑल टोटली रेड मिलती है, जिसके कारण मैं लेट होकर के और लेट होता हूँ, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे सब बंद हो चुका है, पूरा आज़ादपुर बंद हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, और ये अंधेरा भी हो रखा है यहाँ पर। हम अंधेरे में चलते हुए कह सकते हैं अपने आपको नाइट राइडर, इतना बड़ा राइडर नहीं हूँ जो मैं अपने आपको कहूँ नाइट राइडर, बट अंधेरे में चलने वालों को नाइट राइडर ही बोलेंगे। सो चलते हैं गाइस आज़ादपुर का मेट्रो स्टेशन पार करते हुए, सी अब हम सीधा चलेंगे बूम। सो गाइस हम निकल चुके हैं, निकल नहीं चुके हैं, पहुंचने वाले हैं लाइक मॉडल टाउन पे जहाँ से हम सुबह आए थे, शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, बट हम सुबह भी यहीं से आए थे। सो पहुंच गए हम लोग मॉडल टाउन की रेड लाइट पर और यहाँ पर लाइट वगैरह सब बंद है, और ये क्या बोलूँ इनको मैं, ये महापुरुष हैं जो कि गाड़ी को लेफ्ट टर्न बोल रहे थे बट इन्होंने कोई इंडिकेटर नहीं दिया हुआ था, अब क्या कर सकते हैं इनका, कुछ नहीं कर सकते भाई, हमें तो अपने से मतलब है। तो अब हम गाइस जा रहे हैं बिल्कुल सीधा नॉन स्टॉप, और ये हमारी
स्मॉल टाउन चेक इन की रेड लाइट भी ग्रीन है। मे बी कि हम जब तक पहुंच जाएं, या हो सकता है कि हम लोग ना पहुंचे और ओ शेट ये रेड लाइट हो गई है, तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा ग्रीन का वेट। और इसी के साथ हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज अभी टाइम बहुत बाकी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं उसमें अभी 41-40 सेकेंड्स हैं, तो उसके बाद ही हम जाएंगे। लेकिन ये महापुरुष को ज़्यादा जल्दी हो रही है थोड़ा सा वेट कर लेता तो बस होने वाले हैं। 3, 2, 1 और लेट्स गो, क्योंकि लाइट हो चुकी है ग्रीन और हम भी ग्रीन के सिग्नल के साथ ही आगे बढ़ चुके हैं। और रोडों पे सन्नाटा छाया हुआ है, यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है। एवरीबॉडी हियर, कोई भी नहीं है यार, मतलब एक आधा तो हो गई होगा ऑब्वियसली यार, रिंग रोड है तो आई मीन कि यार उस तरह का ट्रैफिक रश नहीं है जिस तरीके के दिन में होता है। और क्या, कुछ नहीं, बस हम लोग फिर से मॉल टाउन की रेड लाइट पर आ चुके हैं। भाई ये फर्स्ट वाली है यार, ये वाली नहीं है, ये फर्स्ट वाली है। तो यहाँ पर फिर से हम वेट करेंगे ग्रीन लाइट का, क्योंकि लाइट तो अभी रेड हो रखी है, तो हमको करना पड़ेगा वेट और वेट करेंगे। सेकंड बाकी, 4, 3, 2, 1, 0 लेट्स गो, लाइट हो चुकी है ग्रीन और इसी के साथ हम भी चल दिए हैं। और अब हम अंधेरे का सामना करेंगे। तो गाइस यहाँ पर देखो कितना अंधेरा है, मतलब बंदा दिखता ही नहीं अगर मैं अपनी गाड़ी की लाइट बंद करूँ। शू, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल सन्नाटा मतलब ये वाला पार्ट जो है ना, मतलब रात में तो बिल्कुल ही वैसा लगता है थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा डरावना सा, लाइक यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है और एक भी खंभा नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो, अगर मैं अपनी गाड़ी की लाइट बंद करूँगा तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है यहाँ पर। मैंने ऑन कर दिया लाइट और इसी के साथ चल दिए हम GTV नगर। और फाइनली जो कि ये रेड लाइट आने वाली है वो हमारी ही होगी, बिकॉज हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट। सो यहाँ से हम लेंगे गाइस लेफ्ट और ये रेड लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो चुकी है गाइस, जैसा कि आपको दिख रहा हो यहाँ पर हमको मिल चुकी है ग्रीन। और इसी के साथ हम लेंगे लेफ्ट टर्न। हटा ले भाई, हटा ले, एम्बुलेंस को जाने दे। कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं यार, पीछे एम्बुलेंस को देख रहा है फिर भी बंदा रास्ता देके राजी नहीं है, गलत बात है ये। उनके रास्ते देने से किसी की जान बच सकती है, वो लोग इस चीज़ को नहीं समझते यार, बट समझना चाहिए हर एक इंसान को गाइस, हर किसी को एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए यार। लाइक उनके 5 मिनट 2 मिनट देने से ना किसी की जान बच सकती है। तो कभी भी कोई भी ये नहीं कि मतलब अगर किसी और हॉस्पिटल की है या ऐसा कुछ, मतलब कभी भी कोई भी अगर आपको एम्बुलेंस दिखती है रोड पर तो प्लीज़ उसे रास्ता दीजिए और कोशिश करिए अगर वो किसी जाम में फंसती है तो उस जाम से निकलवाएं, क्योंकि आपके 2-4 मिनट देने से ना किसी की जान बच सकती है गाइस। तो ऐसा मौका ना गवाएं।